हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल टूर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, तो मैं रेलवे पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2019 में जो आया हुआ था उसके फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर ले आया हूँ। साथ में आरआरबी के आंसर के को भी आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे एक चैनल का नाम है ट्रिकर A to Z विदाउट स्पेस के हैं। फ्रेंड्स, आप इसको टाइप कीजिएगा, वहाँ देखेंगे कि आप मेरे जितने वीडियो के पीडीएफ है वो सारे वहाँ उपलब्ध मिलेंगे। या फिर आप मेरे को www.medicaltubers.blogspot.com पे आए, वहाँ भी मैं ये सारे को अपलोड करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप वहाँ भी जाके ये सारे को देख सकते हैं। तो और इसका जो लिंक है फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड का पहला क्वेश्चंस है, आवेशित वस्तु द्वारा भूमि की ओर आवेश के अंतरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे भू संपर्कन या अर्थिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ऑफ टिन, तो इसका आंसर है Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दाब की SI इकाई क्या है, तो इसका आंसर है पास्कल। क्वेश्चन नंबर फोर, रोगाणुनाशन के लिए प्रयोग होने वाले गैस को इंगित करें, तो वह है एथिलीन ऑक्साइड्स। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, विश्व धरोहर स्थल हम्पी के स्मारकों का समूह किस राज्य में है, तो इसका आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बड़ी यूरी यूनी लेमेटर लेमेलर पुटिका का व्यास क्या है, अर्थात 100 to 400 नैनो मीटर्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, बाइनरी संख्या 10 11 के लिए संबंधित हेक्स दशमलव संख्या चुनें, तो इसका आंसर नंबर D B है। क्वेश्चन नंबर एट, क्रायोस्कोपी विधि का उपयोग को समायोजित करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है आइसोटोनिसिटी। क्वेश्चन नंबर नाइन, लैनोनिलिन के उपयोग के लिए इंगित करें, तो इसका आंसर है एमोलियंट्स। क्वेश्चन नंबर टेन, एथिलीन गैस सहायक होती है, तो इसका आंसर है फलों को पकाने पे या फ्रूट्स रिपेनिंग। क्वेश्चन नंबर इलेवन, बेंजोइन में किस प्रकार का रॉल उपस्थित होता है, विच टाइप ऑफ रेसिन प्रेजेंट इन बेंजीन, आंसर बालसेमिक रेजिन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर बाइंडिंग टू, वसा में जो विटामिन घुलनशील विटामिन होते हैं वह किससे बंधनकारी होती है, तो वह α2 ग्लोबुलिन से। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स APH ऑफ 7 इज द सो विथ, आंसर ग्रीन कलर। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, डायोसिन्स के हाइड्रोलिसिस से मिलता है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज एंड रेमनोज। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, किसे भारतीय आइंस्टाइन कहा जाता है, तो आंसर है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, हाउ मच ए पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन नेटवर्थ विल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट वाइल फिक्सिंग द सेल प्राइस ऑफ बुक ड्रग्स, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 14%। क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन, एमिटिन जो एक आइप के क्यू आना का उपाक्षर है जो के रूप में जाना जाता है, तो इसे कहते हैं अमी बानाशक या अमोएबी साइट्स। क्वेश्चन नंबर एट्टीन, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज, आंसर है सक्सामेथोनियम। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन, स्टिलाइजेशंस बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल फॉर, आंसर मोस्ट
स्टेलाइजेशंस अर्थात नम तापमान जीवाणुनाशन। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट स्टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019? आंसर इज द महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? आंसर बी सेल। क्वेश्चन नंबर 22, रेडॉक्स अनुमापन का अंतिम बिंदु है? तो आंसर इंडिकेटर, पोटेंटियोमेट्रिक्स एंड एम पेरियोमेट्रिक्स मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन डी के रासायनिक घटक को इंगित कीजिए? तो यह आंसर है कैल्सिफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिकेट द एग्जांपल ऑफ प्न्यूमेटिक्स ड्रायर्स? आंसर स्प्रे ड्रायर्स। क्वेश्चन नंबर 25, कैप्सूल को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले नमक की पहचान करें? इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड्स। क्वेश्चन नंबर 26, 49, 20, 43, 90 में श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो कितने कितने का, पहले 4 था, 4 से 9 गया तो 5 का डिफरेंट हुआ, 9 से 20 तक गया तो 11 का डिफरेंट हुआ, 4 फिर 10, इस तरीके से इसका आंसर 85 आया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, रिडक्शंस इन केमिकल रिएक्शन इज द आंसर गेन ऑफ हाइड्रोजन्स। क्वेश्चन नंबर 28, 1 मिलीग्राम के बराबर होता है तो 0.001 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 29, इस प्रश्न में दिए गए कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है? तो कथन के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए, कथन को सत्य माने और दिए गए विकल्प को उत्तर चुने। तो आंसर है इसका केवल सेकेंड फॉलोअर्स, मतलब फॉलोअर्स हैं अर्थात तर्क संगत है केवल सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन के पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है? तो आंसर है बायोरेट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, फ्लेम आइसोनाइजेशन डायरेक्टर इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर? आंसर गैस क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 32, एक विशिष्ट कुट भाषा में यदि अलाउ को ODOZR लिखा जाता है तब उसी भाषा में डिले को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर नंबर बी है फ्रेंड्स, SGOBD। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा मूल तत्व द्विपरमाणु अणु है? तो आंसर है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 34, अगस्ता मास्टर्स ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस में उच्च ग्लाइसेमिक सूचकांक होता है? तो सिरप नुमा आहार अर्थात सिरपी फूड्स। क्वेश्चन नंबर 36, आफ्टर सेव जेल में उपयोग होने वाले जेलिंग कारक की मात्रा को इंगित करते हैं? तो 0 to 1%। क्वेश्चन नंबर 37, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म को 48 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 32 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 29 मीटर प्रति सेकंड है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें मीटर में। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ 48 सेकेंड में अगर एक प्लेटफॉर्म को पार करती और व्यक्ति को 32 में, तो आपको 48 माइनस 32 करना है तो यहाँ आ जाएगा, तो इक्वल में आएगा आपका 16, और 16 को अब मल्टीप्लाई कर देना है 16 × 29 मीटर से, अर्थात प्रति सेकेंड चलता है तो 29 की रफ्तार से अगर 16 सेकेंड चलता है
उसकी लंबाई हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 464 आ जाएगा, 9 6 54 के 4 और 9 1 9 और 5 14 तो 144 आ जाएगा, और इसके बाद 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब इसको टोटल करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा एंड 3 1 4 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, सिंपल ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 38, C14 का अर्ध जीवन काल है, तो आंसर है 57 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 39, अशुद्ध रक्त का वहन द्वारा किया जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज, बाकी आर्टरीज जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन जो होता है शुद्ध अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, किंतु सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होता है, पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि निष्कर्षण अनुपात मूल्य शून्य हो तो नहीं होता है, तो इसका आंसर है एलिमिनेशंस अर्थात उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल, तो आंसर है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है संघात। क्वेश्चन नंबर 42, उस सूची का नाम बताइए जिसका पालन कारखाना परिसर को करना चाहिए, तो इसका नाम है एम। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार है, तो यह है पॉलीसाइटिक किडनी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी पुस्तक दो अक्षर वाली कोडिंग प्रणाली का उपयोग करती है, इसका आंसर है नारंगी। क्वेश्चन नंबर 45, विल्हेमी प्लेट विधि का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है, तो सरफेस टेंशन सतह का तनन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी डायलोस्टिक दाब सामान्य की सीमा में है, तो 70 to 90 mmHg। क्वेश्चन नंबर 47, द ऑब्जेक्शन इज द मोशन ऑफ द ग्राउंड लेवल प्रोसेस एनर्जी टैकिंग ग्राउंड लेवल एज जीरो पोटेंशियल, तो आंसर है काइनेटिक्स अर्थात गतिज। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा परिभाषिक शब्द चिकित्सीय दवा दवा अतः क्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर है ऑक्सीडेशंस। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का संविधान मुख्यतः का समर्थन करता है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस दवा का उपयोग आँखों पर सामयिक क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है लिग्नोकैन। क्वेश्चन नंबर 51, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरीज का प्रतिशत के बीच होना चाहिए, तो इसका आंसर है 50 to 60, क्योंकि हमारे ऊर्जा के लिए सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसका उपयोग रेडियोधर्मी डेटिंग के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 53, त्रिविम में परमाणु या समूहों के विभिन्न व्यवस्थाओं के कारण होने वाले आइसोमेरिज्म को कहा जाता है, तो इसका आंसर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस दवा का उपयोग माया डायट्रिक क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो मायडायटिक, इसका आंसर है एट्रोपिन सल्फेट्स। क्वेश्चन नंबर 55, जेल्डा हल की विधि में नाइट्रोजन युक्त नमूने का पाचन के साथ होता है, तो इसका आंसर है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित अंगों में से किस में सबसे अधिक परफ्यूजन दर है, तो आंसर है फेफड़े या लंग्स। क्वेश्चन नंबर 57, वेज सिद्धांत के अनुसार मोनोवेलेंट साबुन देते हैं, तो इसका आंसर है O/WMLS अर्थात OW-PIOS। क्वेश्चन नंबर 58, एक महिला सड़क पर दक्षिण की दिशा की ओर मुंह खड़ी की है, 72 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती और 162 डिग्री वर्मावर्त घूम जाती है, तो अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं, ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
अब एक महिला सड़क पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह खड़ी हुई है, ये इधर इसने मुंह किया है, वह 72 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाती है, अर्थात अपने राइट की ओर 72 डिग्री घूम जाएगी। अब 72 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और 162 डिग्री वर्मावर्त घूम जाती है। तो वर्मावर्त यहाँ से अगर फिर से अगर आप 162 करें तो इसमें से 72 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 90 डिग्रीज, अर्थात वह 90 डिग्रीज इस तरीके से आ जाएगी यहाँ। तो ये हो गया हमारा ईस्ट, तो उसकी जो है ईस्ट की ओर वो मुख करेगी। क्वेश्चन नंबर 59, कपाल तंत्रिकाएं से निकलती हैं, तो यह ब्रेन अर्थात जो क्रेनियल नर्व्स होती है वह मस्तिष्क अर्थात ब्रेन से आती है। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी डाई पीला रंग देती है, तो यह है टार्ट्राजिन। क्वेश्चन नंबर 61, इंसुलिन कुल से बना होता है, तो इंसुलिन 51 एमिनो एसिड से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 62, कोशिकाएं मुख्य रूप से यौन से निर्मित एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है, तो यह लिपिड्स और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 63, दिन के किस समय में सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम स्तर पर होती है, तो जब हवा का तापमान उच्चतम होता है। क्वेश्चन नंबर 64, मौखिक श्लेष्म के क्षेत्र को इंगित करें जहाँ रक्त का प्रवाह अधिक होता है, तो यह है मासल या सबलिंगुअल। क्वेश्चन नंबर 65, लायोफिलीजेशंस का मतलब है, तो यह है फ्रिज ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा विभिन्न प्रकार के दुराचार के लिए एक प्रमुख दंड नहीं मिलता, तो विशेषाधिकारों से वंचित होना। क्वेश्चन नंबर 67, पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की थी, तो आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 68, औषधीय पौधे की वानस्पतिक पहचान का आपका तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर है जीन्स स्पेसिस सब स्पेसिस एंड वैरायटी ऑथर एंड फैमिली, यह इसका पहचान का आपका तात्पर्य है औषधीय पौधों की वानस्पतिक पहचान। क्वेश्चन नंबर 69, सोडियम लॉरियल सल्फेट का HLB मान क्या है, तो इसका आंसर है 40। क्वेश्चन नंबर 70, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा उत्पन्न वोल्टेज और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर प्रासंगिक संकेंद्रण के बीच संबंध का आधार द्वारा समझाया जाता है, तो यह है नेर्नस्ट का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 71, आयुष क्या है, तो आयुष का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स आयुर्वेदक योगा यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट नेम होता है आयुष। क्वेश्चन नंबर 72, एक आदर्श सन स्क्रीनिंग कारक जो एरिथियोमेजेनिक वृक्षों को रेंस की अवशोषित करना चाहिए, तो यह है ओ 320 NM। क्वेश्चन नंबर 73, घरेलू अपशिष्ट में विघटित सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है, इसको कहते हैं सिल्ट या गाद। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन से संचार में आने वाली बाधा नहीं है, तो यह है पॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 76, राज्यसभा के सदस्यों का चयन की अवधि के लिए किया जाता है, तो आंसर है 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 77, थियोग्लाइकोलिक अम्ल का उपयोग किस सीमांत परीक्षण में किया जाता है, तो आंसर है आयरन। क्वेश्चन नंबर 78, IUPAC नेम फॉर द स्ट्रक्चर CH3CH2CH2CH2 इज, आंसर ब्यूटाइल। क्वेश्चन नंबर 79, यूवी प्रत्यक्ष स्पेक्ट्रोस्कोपी में लंबे तरंगदैर्ध्य की और लैम्डा मैक्स में बदलाव होता है, तो इसे बाथोक्रोमिक बदलाव कहते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 80। 30-60 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात 33 अनुपात 35 है, तो कितनी और लड़कियों की भर्ती की जानी चाहिए जिसमें यह अनुपात बदल के 1:1 हो जाए। तो इसका आंसर है 90। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सा तीव्र सक्रिय आर्थो पैरा डायरेक्टर्स नहीं है? तो इसका आंसर है OCH3। क्वेश्चन नंबर 82। 2 घंटिया 86 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, यदि वो दोनों सुबह 10 बजे एक साथ बजे तो कितने सेकंड बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी? तो आंसर है 20:64। क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से किस राज्य में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन, जबलपुर सिटी इज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? इसका आंसर है नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 85। क्लोरीन युक्त चूने का पर्यायवाची है? तो आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 86। 6,095 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति 15% लाभ प्राप्त करता है सीपीयू को, तो इसमें से कितने रुपए में बेचने पर उसे 25% लाभ होगा? तो इसका आंसर है 6,625 रुपये। क्वेश्चन नंबर 87। 1650 बॉयज एंड 1100 गर्ल्स आर एग्जामिन इन द टेस्ट, 42% ऑफ द बॉयज एंड 36% आर द गर्ल्स पास इन द टेस्ट, द परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल्ड इज? तो आंसर है 60.4%। क्वेश्चन नंबर 88। परिणाम की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की सीमा होती है, तो इसे परिशुद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। एक प्रतिस्थापी के लिए सिग्मा का एक ऋणात्मक मूल्य क्या दर्शाता है? तो आंसर है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन दाता होता है। क्वेश्चन नंबर 90। सभी जीवित सूक्ष्म जीवों से मुक्त होने की स्थिति को रूप में जाना जाता है, तो इसे स्टेराइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। एनडीए में प्राथमिकता की समीक्षा को पूरा करने की अवधि क्या होगी? तो आंसर है 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 92। प्रोलीपोसोम विधि लिपोसोम की तैयारी में लिपिड में एक सूक्ष्म से रूप से विभाजित पार्टिकुलेट सपोर्ट्स के रूप में सुखाया जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 93। जीवाणविक कोशिका भित्ति से बनी होती है, तो पेप्टिडोली ग्लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 94। सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट्स, आंसर डेंटल कैरीज। क्वेश्चन नंबर 95। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 371 वेट गेट 52 एज रिमाइंडर, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 53 व्हाट इज विल बी द रिमाइंडर? आंसर 52। क्वेश्चन नंबर 96। विटामिन B3 को किस नाम से जानते हैं? आंसर निकोटिनिक एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 97। ए टैक्स कलेक्टेड एज वेरी एवरी स्टेज और वैल्यू एडिशंस एदर बाय द प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशंस इज नॉन एज? आंसर वैल्यू एडेड टैक्स, अर्थात मूल्यवर्धित कर। क्वेश्चन नंबर 98। CFR 211 रेफर्स टू? आंसर कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस 2111। क्वेश्चन नंबर 99। द एबिलिटी ऑफ द आइज लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकस लेंथ इज कॉल्ड, अर्थात आँखों के लेंस की वह क्षमता जिससे वह फोकस दूरी सुनियोजित करती है कहलाती है, तो इसे कहते हैं समंजन या एकमेंडेशंस। क्वेश्चन नंबर 100। यदि प्रवाह क्षमता को गुट के रूप में व्यक्त किया जाता है तो प्रतिशत संपीडनता का मान होता है, तो इसका आंसर है 12 से 16%। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और चैनल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर आपका सॉल्व करूँगा हर क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।